हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अशोका की मिशनरी एक्टिविटीज़ को। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपने वीडियो की शुरुआत देखिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि अशोका के टाइम पर जो मौर्य एम्पायर है वो कहाँ तक एक्सपैंड की हुई थी, और आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी अशोका की मिशनरी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कलिंगा के वॉर के बाद अशोका ने वॉर से तौबा कर लिया और इन्होंने बुद्ध रिलीजन को कबूल कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कलिंगा को कॉन्क्वीस करने के 2 साल के अंदर ही अशोका ने क्या किया, रिलीजन को फैलाने के लिए एज अ मिशनरी वर्क करना स्टार्ट किया। तो देखिए, इन्होंने बुद्ध रिलीजन को फैलाने के लिए क्या क्या किया। अशोका एडॉप्टेड डिफरेंट मेजर्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ बुद्धिज्म। क्या बोला है, अशोका ने बुद्ध रिलीजन को फैलाने के लिए डिफरेंट मेजर्स इख्तियार किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहला मेजर क्या था। सबसे पहला मेजर था धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या होता है कि अशोका गेव अप विहार यात्रा और प्लेजर टूर्स एंड इंट्रोड्यूस धम्म यात्रास और रिलीजियस टूर्स। क्या बोला जा रहा है, अशोका ने बुद्ध रिलीजन को कबूल करने के बाद विहार यात्रास यानी कि अपने प्लेजर टूर्स यानी घूमने फिरने को छोड़ दिया, घूमने फिरने को त्याग कर दिया। इसके बाद इन्होंने धम्म यात्रा को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अभी धम्म यात्रा क्या होता है, रिलीजियस टूर्स को बोलते हैं। अब ये रिलीजन टूर्स किसको बोलते हैं, तो देखिए अशोका क्या करते, ये रिलीजन टूर्स के लिए निकलते। कहाँ कहाँ निकलते, जहाँ जहाँ बुद्ध रिलीजन की मंदिर है, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध गए थे या फिर गौतम बुद्ध की जुड़ी तमाम टूर्स तमाम जगहों में जाते थे, ठीक है। इसी को हम लोग रिलीजियस टूर्स कहते हैं। और जब ये रिलीजियस टूर्स के लिए निकलते या धम्म यात्रा के लिए निकलते तो इन्हें जो शर्मन्स बहमन्स मिलते उनको बहुत सारे गिफ्ट दिया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरा मेजर क्या था, इसकी वेशन ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब ये क्या होता है कि देखिए, गौतम बुद्ध ने बुद्ध रिलीजन को फैलाने के खातिर कुछ एक्सिबिशन लगवाया करते थे। इनमें क्या होता था ना, ये एक फंक्शन होती थी, ठीक है, ये एक तरह की फंक्शन होती थी जिसमें बुद्ध रिलीजन के बारे में लोगों को बताया जाता था। इस फंक्शन में लोग आते, यहाँ पे बुद्ध रिलीजन के बारे में सुनते थे, ओके। और इस फंक्शन में ना अशोका डांस परफॉर्मेंस भी रखते थे, सिंगिंग परफॉर्मेंस भी रखते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ एक्सिबिशन ऑफ स्पेक्टेकल्स क्या क्या थे। देखिए, विमाना दर्शना, हस्तिन दर्शना एंड अग्नि खंडनी, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे अशोका ने एक्सिबिशन ऑफ स्पेक्टेकल्स किए थे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा मेजर क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामतरास। देखिए, अब ये धम्मा महामतरास क्या है, अशोका अपॉइंटेड स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा महामतरास टू वर्क फॉर द टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। अब देखिए, अशोका ने अपने ऑफिसर्स की एक स्पेशल क्लास बनाई थी, ठीक है, किस लिए, ताकि वो लोगों के अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पैदा कर सके, स्पिरिचुअल लगाव पैदा कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करे, साथ ही साथ वो लोगों को बुद्ध रिलीजन के बारे में बताए। ओके, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं धम्मा महामतरास। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विस ऑफ स्टेट ऑफिसर्स। ओके, तो देखिए ये क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अशोका इस चीज़ को समझ चुके थे कि अगर उन्हें बुद्ध रिलीजन को फैलाना है तो वो अकेला नहीं फैला सकेंगे, उन्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेट ऑफिसर्स को चुना, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो बुद्ध रिलीजन को फैला सके, उनके बुद्ध रिलीजन की सर्विस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कुछ ऑफिसर्स के नाम क्या क्या हैं, राजुकास, यूतास, पुरुषास, अधिशिखास। ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टेट ऑफिसर्स थे जो बुद्ध रिलीजन के लिए एज अ ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे मिशनरी एक्टिविटीज़ है जिसको मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अशोका की मिशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में, और ये जाना कि इन्होंने कौन कौन सी मेजर इख्तियार की थी बुद्ध रिलीजन को फैलाने के लिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आज का अपना सेशन ही खत्म करती हूँ। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।